हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में मैथ्स का ऐसा 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप सेट बनाए, तब मॉक टेस्ट या आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करूंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका कमांड बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर कहीं आपने स्किप किया एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो सकता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को या उस ट्रिक को आप समझ ना पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज आर एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप इज क्या? स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्त धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्त नहीं प्राप्त करते हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको रेशियो दिया हुआ है कि बॉयज का, और देखिए बॉयज का दिया हुआ है और आपको गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो यानी कि जो रिमेनिंग बच्चा, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग, यानी कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, वो कितने प्रतिशत है। तो देखिए, इसको इजी करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर इसको फिगर को 300 कर लीजिए और इसको आप कर लीजिए 200। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 100% जो होता है वो फुल एंड फाइनल होता है, लास्ट होता है। ठीक है, और इस 100% में से 20% लड़के को स्कॉलरशिप मिला है, तो रिमेनिंग जो 80% बच गए उनको नहीं मिला होगा। ठीक है, और अगर 25% आपको लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला है, तो 75% जो है वो लड़कियों को नहीं मिला होगा स्कॉलरशिप होल्डर। तो अब 300, अब देखिए ये सब कितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे, सब माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए कि 300 का 80% होता है आपका 240 और 200 का 75% होता है 150, यानी टोटल आपके हो गए 390। अब देखिए 390 जो कि हो गए वो हो गए कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल आपको 300 और 200 यानी कि 500 स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे 500 और यहाँ पर लिखेंगे आप मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो आपका निकल कर आएगा 78% जो है, इतने 78% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो आपका आंसर 78 हो जाएगा। अब एग्जाम में आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे, एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम में अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़े तो आप देख लिए कि 3:2 है, 20% को नहीं मिला, 25% 20% को मिला और 25% को मिला। अब जो रिमेनिंग बच गए तुरंत 300, 280, 240, 390, उसके बाद तुरंत आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, हमेशा आते हैं कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल्ड अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर ₹100। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ साल्ट पर केजी इज, नमक की कीमतों में 20% की कमी होने से एक खरीददार ₹100 में 4 kg अधिक खरीद सकता है। नमक की कीमत में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए, एक आदमी है जो कि ₹100 में कुछ सर्टेन केजी खरीदता है। ठीक है, सर्टेन केजी खरीदता था, मतलब एक्स केजी आप मान सकते हैं खरीदता था। अब क्या हुआ कि आप कभी कभी जाते हैं दुकान में, तो जैसे कि आप एक्सपेक्ट करके गए कि ₹10 में आपको नमक का एक पैकेट मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, तो आप ₹10 में ₹100 लेके गए, तो आप 10 पैकेट खरीद के ला सकते हैं। लेकिन जब आप दुकान में गए तो आपको मालूम चला कि अब नमक का पैकेट का दाम ₹5 हो गया, तो आप क्या किए, तो आप
अब कितना खरीद सकते हैं आप, 20 केजी आप खरीद सकते हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो यानी कि आप पहले 10 खरीद रहे थे और अब आप 20 केजी खरीद लिए, तो यानी कि 10 केजी आप एक्स्ट्रा खरीद लिए। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कि 20% कमी हो गया, तो आप इस बेसिस पे 4 केजी आप ज्यादा खरीद लिए 100 ही रुपया में। तो जो रिड्यूस प्राइस ऑफ साल्ट है वो क्या है, मतलब कि पहले अगर 10 रुपया था तो 5 रुपया हो गया ना, उसी तरीके से जो रिड्यूस प्राइस है यानी कि 10 की जगह पे जो 5 यानी कि जो हम लोग 5 जो रिड्यूस प्राइस है वो आपसे पूछ रहा है। इसका सिंपल ट्रिक क्या है आपको वो मैं बताता हूँ, ट्रिक क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखें तो इसका ट्रिक ये होता है कि जैसे कि आपने कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो 20% का कमी हुआ है, तो आप लिखेंगे 20, ठीक है, और इनटू आप लिखते हैं जो यहाँ पे रेट होता है, ठीक है, जो यहाँ पर ये कितना रुपया जो है आप लेकर गए हुए थे, कितना रुपए में आप लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 और अब नीचे में बाई इंटू 100 और कितना रुपया कितना केजी आप एक्स्ट्रा खरीद लिए, तो इंटू आप 4 करेंगे, तो इससे आप किसको कट करेंगे और 4 से जो है आप इसको कट करेंगे तो 5 बार में, यानी कि जो 5 आंसर आएगा 5 केजी 5 रुपीज ये आपका रिड्यूस प्राइस होता है, ठीक है, यानी 5 आपका रिड्यूस प्राइस होता है। तो हमेशा इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, जब भी आपको आएगा तो जो भी आपका जो परसेंटेज जो आपका रिडक्शन होगा ये वाला प्राइस इंटू 100 जो भी अमाउंट आप लेकर गए वो इंटू में 100 और इंटू में आप 4 कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए क्या है कहने का मतलब कि देखिए 20% की, अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखिए कि 20% की कमी हुई तो आप 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद लिए, अगर 1% की कमी होती तो आप 4/20 करते, और अगर पूरा पूरी कमी हो गया रहता तो आप इंटू 100 करते, यानी कि आप 20 केजी एक्स्ट्रा खरीद लेते, ठीक है, मतलब 20% की कमी हुई तो आप 4 केजी खरीद लिए, अगर 100% की कमी होता तो आप 20 केजी ज्यादा खरीद लेते। अब टोटल आपके पास कितना था, 100 रुपीज था और 20 केजी खरीद लेते, यानी जो आपका 5 आया ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस होता, ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमेशा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो स्टूडेंट को ध्यान से बनाना होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कि ए दिया हुआ है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 1/2 इज टू 3/8, बी इज टू सी बाई 1/3 इज टू 5/9, सी इज टू डी इक्वल टू 5/6 इज टू 3/4, देन द रेशियो ऑफ ए बी सी डी आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, बी का रेशियो कितना दिया हुआ है तो 3/8 दिया हुआ है। अब देखिए फिर यहाँ पे बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और सी का रेशियो 5/9, फिर यहाँ पर सी और डी का रेशियो दिया हुआ है आपको 5/6, और यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए ये आप जानते हैं कि इस टू में है, ये भी आपका रेशियो में है, ये आपका रेशियो में है। अब देखिए यहां से आप इसको कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहां से इसको कट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और यहां से आप कट करेंगे तो 3, और यहां से कट करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब क्या है कि ये भी रेशियो में है, तो a बाई बी यानी कि a बाई बी इक्वल टू क्या होगा, ये आपका चला जाएगा 4/3 में, ठीक है। फिर उसी तरीके से b बाई सी करेंगे, ये रेशियो को इधर में ला रहे हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 3/5, और c बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10/9, ठीक है। अब आप देखिए b भी 3 दिया हुआ है और यहां भी b 3 दिया हुआ है, यहां पर c जो है वो आपको 5 दिया हुआ है और यहां पर c 10 दिया हुआ है, तो इसको 10 करने के लिए इंटू आप 2 करेंगे, ठीक है, और इंटू आप 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10, और फिर यहां पर अब b 6 दिया हुआ है तो इंटू आप 2 करेंगे और इंटू आप 2 करेंगे तो ये भी 6 और ये आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबको इक्वल करना, कि जैसे a बाई बी का रेशियो अगर 6 दिया हुआ है, 8 में यहाँ पे b 6 दिया हुआ है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, c अगर यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, और जो बड़ा वैल्यू होता है उसके साथ हम इक्वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है बड़ा वैल्यू तो इस 5 को 10 हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि a b c और d क्या हो गया, a का आपका निकल गया 8, b का निकल गया 6, c का निकल गया 10 और d का निकल गया आपका 9,
जो कि आपका यहाँ पर सी में दिया हुआ है। तो रेशियो के क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा रेशियो का डिफिकल्ट का क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस तरीके से कट किए हैं, तो इस तरीके से आप बनाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब दिया हुआ है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ रुपीज 450 इच, देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज क्या होगा? समान लागत वाली 14 घड़ियों को प्रत्येक 450 रुपए में बेचने से 4 घड़ियों के लागत मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। एक घड़ी का लागत मूल्य है क्या? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर जाता है तो क्या आता है? ये आपका प्रॉफिट आता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, ये सब बेसिक चीज है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए 14 घड़ी को किसी दुकानदार ने बेचा किस रुपए में? 450 रुपए में। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपको पता है कि 450 रुपए में एक घड़ी को बेचा, और इस 450 के भाव से वह 14 घड़ी को बेचा है। तो इस हिसाब से जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल है किसके? 4 कॉस्ट प्राइस घड़ी के, मतलब 4 जो 4 कॉस्ट प्राइस होगा ना 4 घड़ी का, उसके बराबर होगा। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस तो मालूम है 450, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। हो सकता है कि वो 400 हो सकता है वो 300, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से जैसे कि 4 घड़ी के बराबर उसको फायदा हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 14 वॉचेस, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए सेलिंग प्राइस क्या है 14 वॉचेस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 14 × 450, ठीक है, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस 14 कॉस्ट प्राइस किसका? सेलिंग का, उस घड़ी का। 450 रुपया जो हो गया आपका, इसको बनाने का सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको कि सेलिंग प्राइस आपका टोटल क्या हो गया। तो 450 रुपए से एक घड़ी को बेच रहा है तो 14 घड़ी का दाम कितना होगा? तो वो इसको कैलकुलेट करने पे निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, माइनस, क्योंकि एसपी में से हम किसको घटाएंगे? कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस 14 घड़ी का क्या है हमको नहीं पता, तो सीपी रहने देते हैं। अब हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है? वो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 4 घड़ी का, यानी 4 रिस्ट वॉच किसके हिसाब से? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। यानी कि 4 की यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेस, यानी 4 वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर प्रॉफिट आ रहा है। तो ये इस इक्वेशन में बैठा दिए हम। अब देखिए इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे, तो यानी कि 14 × 450 बराबर कितना हो जाएगा? 18 कॉस्ट प्राइस, 18 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया सीपी के फॉर्म में। अब हमको एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो इस 18 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो वो निकल जाएगा 9 × 2 और 9 × 5 और 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 25। यानी कि एक 1 घड़ी का जो रिस्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? तो 14 × 25, 14 × 5 = 70 और 14 × 2 = 28 और 7 = 35। यानी 350 रुपया जो है उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस है, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस है। तो कितना इजी वे में निकाल लिया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं ये कैसे बनाए, लेकिन सिंपल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अप्रोच जो है वो आप बेसिक, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एकदम बेसिक अप्रोच पे जाएं। कि जैसे कि यहाँ पर सिंपल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट, तो हम अब सोचेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है कि 450 × 14 करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो हमको तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो −14 × CP रहने देंगे। प्रॉफिट क्या हो रहा है? तो 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर आ रहा है, तो इसको 4 × CP लिख दिए। अब इससे हम इसको इधर ले जाएंगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ से हम एक निकाल लेंगे तो 350 आ जाएगा। इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे। अब देखिए ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए कि ए मर्चेंट मार्क हिज गुड्स 40% above the cost price and sell them at a discount of 15%. Find his gain percent. एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अब देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस।
अब आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस वो होता है जो कि दुकान में आप किसी भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसपे जो प्रिंट होता है वो आपका मार्केट प्राइस होता है। उसके बाद या तो आप प्रिंट प्राइस पे बेच दिए तब, या कुछ डिस्काउंट दे दिए आप तब, वो उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो कि लागत होता है, जो कि आपको उस चीज को लॉन्च करने में या बनाने में आपको जो कॉस्ट प्राइस लगा। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कि एक कोई दुकानदार है, मतलब एक दुकानदार है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलिए कि 100 रुपया का उसका लागत कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज था कॉस्ट प्राइस, और वो क्या करता है कि मर्चेंट एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो लागत मूल्य उसका 100 रुपया है, इससे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है यानी मार्केट प्राइस करता है, यानी कि 40% अधिक यानी 140 हो गया, और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है यानी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा तो 140 × 85 / 100। 5 से काटेंगे तो 17 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, और इससे काटेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यानी कि यहां पर कितना आ गया 119 आ गया। यानी कि देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया कि लागत मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया, इससे 40% अधिक मूल्य अंकित किया मार्केट प्राइस यानी 140 हो गया, और आप जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होता है, तो मार्केट प्राइस पे क्या किया जो उसका 140 रुपया फिक्स किया और उसके बाद वो डिस्काउंट दे दिया आपको 15% का, तो 119 आ गया। अब पूछ रहा है उसका गेन परसेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 100 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 119, तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 19 रुपीज का, और प्रॉफिट परसेंट आपको पता होता है कि प्रॉफिट इंटू 100 और बाई सीपी, सीपी आपका 100 था, इससे आप कट कर दिए तो 19% आपका क्या आ जाएगा गेन परसेंट। आप जाते हैं कभी कभी मॉल में तो आप देखते नहीं है कि आप जो खरीदने जाते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है कि इतना दाम ऊपर करके रखता है, जैसे कि 500 का सामान है तो उसको पहले ही 1000 रुपया रख देगा 1000, और उसके बाद क्या करेगा आपको बोलेगा क्या कि देखिए अभी ऑफर चल रहा है आपको 30% 40% आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि ग्राहक सोचता है कि यार 1000 का उसका दाम है और उस पर 30-40% का छूट मिल रहा है तो वो ले लेता है, अल्टीमेटली उसको होता है प्रॉफिट। आप यहां भी देख सकते हैं प्रॉफिट ही उसको हो रहा है। तो चलिए ये मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके साथ मैंने इस वक्त डिस्कस किया है। आगे भी इस क्वेश्चन आपके साथ मिलते रहेंगे इस तरह की वीडियो को, तो अगर आपको इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।